हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चटाई पे उड़ने वाला वीडियो कैसे बनाएं, वो भी बड़े आसानी से। दोस्तों इस वीडियो को हम एडिट करेंगे टाइम मास्टर की मदद से और बड़े आसानी से इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें। तो चलो फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक वीडियो आपको ग्रीन स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से एक्टिंग करके शूट कर लेना है। शूट करने के बाद में अब जो भी एडिटिंग होगी वो होगी हमारी काइन मास्टर पे। तो चलो करते हैं काइन मास्टर को ओपन। काइन मास्टर ओपन करने के बाद फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको 9.16 का रेशा सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपकी फाइल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले एक वीडियो आपको एक ग्रीन स्क्रीन पे उड़ने वाली चटाई की वीडियो आपको डाउनलोड कर लेनी है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वो यूट्यूब से डाउनलोड की थी, आप भी यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको वो वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नीचे का पार्ट और जो ऊपर का पार्ट बचा है ये ब्लैक है, ये भी हमें ग्रीन कर लेना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना होगा लेयर पे, उसके बाद जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद फिर आपको इस इमेज वाले ऑप्शन से एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलो एक व्हाइट कलर की इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस इमेज को खींच करके कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर देना है बिल्कुल ग्रीन स्क्रीन के बराबर। उसके बाद दोस्तों एक इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे और उसको ऊपर वाले पार्ट में एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों उंगली की मदद से खींच करके कुछ इस तरीके से आपको ऊपर वाले पार्ट में इसको एडजस्ट कर देना है। दोस्तों अब जो व्हाइट वाले पार्ट है इनको हम ग्रीन करेंगे। ग्रीन करने के लिए हमें कलर वाले ऑप्शन पे जाना है। कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हमें ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में स्टिक वाले निशान पे क्लिक करना है तो हमारा यहाँ से ग्रीन कलर सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दूसरी वाली व्हाइट लेयर को भी सेम तरीके से आपको ये ग्रीन कर लेनी है। तो चलो फिर मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको इमेज वाली लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इनकी लेयर को इस वीडियो के बराबर आपको बड़ा कर लेना है खींच करके कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों जो हमने ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो शूट की थी वो हमें सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके लिए हमें जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद फिर जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद वो ग्रीन स्क्रीन वीडियो हमें यहाँ सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद हमें जाना है क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो के वेस्ट एरिया को हमें कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में दोस्तों अब हम इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए फिर से आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में आप देख सकते हैं ये है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों फिर इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर दोस्तों आपकी इस वीडियो को कुछ इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है चटाई के ऊपर जो आपको देखने में सूटेबल लगे। दोस्तों लगभग हमारा आधा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब कि इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों आपको सेव वीडियो पे क्लिक करना है। सेव वीडियो पे क्लिक करने के बाद में हमारी वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों अब दोबारा से हमें आना है काइन मास्टर पे। तो चलो फिर चलते हैं काइन मास्टर पे। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद में सबसे पहले एक बैकग्राउंड के लिए हम इमेज सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए जाना है मीडिया पे। इमेज सिलेक्ट करने के बाद में दोस्तों पहले हम सबसे पहले स्क्रीन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से वर्क कर सके।
उसके लिए आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन यहाँ पे बड़ी हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस इमेज की लेयर को कुछ इस तरीके से खींच करके बड़ा कर लेना है जितना कि हमारा वीडियो होने वाला है। इतना सब करने के बाद में दोस्तों अभी जो हमने एक वीडियो ग्रीन स्क्रीन में एक्सपोर्ट की थी उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद फिर जाना है हमें मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों हम उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे का जो बेस्ट पार्ट है उसको हम क्रॉप करेंगे। तो क्रॉप करने के लिए हमें फिर से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में हमें जाना है क्रॉपिंग पे। क्रॉपिंग पे जाने के बाद में और इस नीचे वाले जो वेस्ट पार्ट है इसको इसको हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद में दोस्तों अब इसकी हम ग्रीन स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके लिए आपको फिर से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में फिर जाना है आपको क्रोमा की पे। क्रोमा की पे जाने के बाद में आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में फिर कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो को आपको एडजस्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं एडजस्ट करने के बाद में फिर आपको एक और यूट्यूब से ग्रीन स्क्रीन पे एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। आप चाहें तो, मैंने तो अपने हिसाब से डाउनलोड की है, आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं किसी की भी। मैंने डायनासोर की डाउनलोड की है तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है लेयर पे। लेयर पे जाने के बाद फिर जाना है हमें मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद उस वीडियो को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है वो वीडियो। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको खींच करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद में अब दोस्तों इसकी हम जो ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हमें फिर से नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में फिर हमें क्रोमा की पे क्लिक करना है। क्रोमा की पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो डायनासोर वाली वीडियो है उसको आपको पीछे की तरफ ले जाके थोड़ा और बड़ा करके और आपको वहां पे ये ले जाके एडजस्ट कर देनी है। एडजस्ट करने के बाद में उसके बाद दोस्तों जो डायनासोर वाली वीडियो है उसको हल्का सा आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। फिर आपको प्लस के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको डायनासोर वाली वीडियो को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना है। लगभग आपको वीडियो के एंड में लाके रोक देना है। रोक करके फिर आपको डायनासोर को थोड़ा आगे की तरफ लेके आना है। लगभग इतना ला करके यहाँ पे आपको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद में उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको इस वीडियो को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाना है। आगे की तरफ बढ़ाने के बाद में फिर आपको प्लस के निशान पे क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों इस वीडियो को आगे की तरफ और बढ़ाना है। लगभग इतना वीडियो के एंड तक आपको ले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ एडजस्ट कर देना है। अब दोस्तों इन तीनों लेयरों के जो पार्ट हैं उनको हम यहाँ से एक बराबर रखेंगे। तो जो वेस्ट पार्ट है उसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो चलो एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं आखिर हमारा वीडियो बना कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो बड़े आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितना इजी है इस वीडियो को एडिट करना। दोस्तों आप इसको एडिट करके इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर प्लेटफॉर्म पर भी इसे अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।